जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हो? और सुनाओ, सब घर पे ठीक ठाक हैं? और तो आपने अपडेट तो देख ही ले होंगे, UMT MRT मेरिकल थंडर वगैरह वगैरह के जितने भी टोल थे, मैंने बताया था ना कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और अगर किसी ने कोई अपडेट दे दिया तो इन सबको देना पड़ता और मार्केट के हिसाब से इन्हें चलना पड़ता। ज़रूरी है, बिना मार्केट के हिसाब से नहीं चलेंगे तो इनकी कहानी ख़राब हो सकती है आपस में। तो मतलब इसी वजह से इनको अपडेट देने थे और इन्होंने अपडेट दे दिए हैं। बहुत से भाइयों ने टेस्टिंग वीडियो बनाई है और वो बोल रहे हैं कि भाई बहुत सारे हो गया, लेकिन आज मैंने खुद ने ओप्पो A1 के किया, हो गया भाई, UMT से किया था, हो गया ओप्पो A1 के। तो मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई, मैं सोच रहा हूँ कि तीन चार फ़ोन एक साथ इकट्ठे करके UMT और MRT के साथ में एक वीडियो बनाऊँ, जिसमें पूरा मतलब कि किस तरीका से होता है, किसका सारी चीज़ें। मैं सोच रहा हूँ Redmi 6A भी प्लस करूँ, लेकिन Redmi 6A मुझे मिल नहीं रहा किधर से, तो उसके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, तो इस वजह से ये। तो आज की जो वीडियो है, सबसे पहले ये इमेज देखो, ये नई इमेज आई है, नया टूल आया है, और मतलब बहुत कॉस्टली टूल है ये। ओप्पो और रियलमी का गेम ओवर कर दिया भाई इसने, और MT के CPU को, MT का कोई भी मोबाइल हो, MT का CPU किसी का, मतलब उसका सारा का गेम ओवर कर दिया इस टूल ने, और भाई कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा इसकी। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन पे दिखाऊंगा अभी आपको, तो अब मैं स्क्रीन स्टार्ट कर देता हूँ, एक मिनट। ये देखो आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, आपने देखा होगा ओप्पो रियलमी मास्टर टूल, ठीक है जी। और ओप्पो रियलमी मास्टर टूल वर्जन है 1.1.2, ठीक है भैया। इसने दिखा रखा गेम ओवर, वर्ल्ड फर्स्ट नंबर वन बेटर, ठीक है। इसमें मेडिटेक CPU हैं दिखा रखे हैं, 6889Z और 6873 V, 6853 V, 6833, मतलब 5G मोबाइल जितने भी नए मोबाइल हैं वो भी प्लस हैं इसमें। और मेडिटेक के जो हैं, मतलब यार कमाल कर रखा है इसमें, तो यार सारे CPU दे रखे हैं, मतलब इतना भयंकर टूल है ये है? बताओ। UFS VS में रियलमी के नए, मतलब ये मॉडल कौन कौन से, 72, 55, 73, K7X है 71, मतलब 92, 17, Realme 3, बताओ, Reno 4, बताओ यार कितने मॉडल हैं इसमें, F11, F11 Pro, F9, F9 Pro, F7, A3, A9, Realme 1, F7 Youth, 91, ठीक है जी, और A9, बताओ यार कितने मॉडल हैं इसमें, यार ये तो मतलब ओप्पो के सारे मॉडल ही ले लिए, 83 Pro, मतलब ये तो पुराना मॉडल है, और जो CPH है, ओप्पो A1KS है, ओप्पो A1K है, 31 है इसमें, A11K है, A12 है, A5S, ये तो पुराने मॉडल समथिंग इसमें, Realme X7 Pro न्यू मॉडल, Realme Q2i, V15 5G, मतलब 5G भी नए मॉडल इसमें प्लस कर दिए, Realme 6S न्यू, C3i, Realme C3i, मतलब इसने तो यार बहुत सारे मॉडल दे रखे हैं UMT के, सॉरी ओप्पो और रियलमी के, कमाल कर रखा है यार इन्होंने तो बहुत। और इनका भाइयों ने लिंक भी दे रखा, और लिंक का पासवर्ड ही है, तो भाई रजिस्टर कराने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें। और ये तो मैं इमेज दिखा देता हूँ, इस टूल की ये इमेज है, आपने देख ही ली होगी भाई, इसमें देखो रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूर हार्डवेयर ID, मतलब कॉपी, तो मतलब इसका जैसे अनलॉक टूल है उस तरीका से है। बताओ यार कमाल कर रखा है इसमें। और ये इमेज मेडिटेक CPU का दिखा रखा है इसमें, कौन सा CPH 2043, कौन सा मॉडल है, गूगल करो, सर्च करो फटाफट, देखो कौन सा CPH 2043। भाई फाइनली आपने देख ही लिया होगा, चलो मैं इस टूल की कुछ बात कर लेता हूँ।
तो भाई जो इस टूल के ओनर हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, मैंने उनसे बात की थी, उनका कोई रिलेशन फिलेशन था, जैसे भी मैंने मलिक साहब से बात की थी और उन्होंने भी अपने पोस्ट पे डाल रखा था। तो भाई ये टूल आपको 14-15, 15.5-16 हज़ार रुपये तक का है और एक साल की अपडेट है इसके साथ, इस टूल के साथ में। और मतलब यार ये एक छोटी सी चीज़ बताओगी, इसमें 15,000 का ऐसा क्या है इस टूल में? भाई थोड़ी अपनी कॉस्ट कम करो, बेशक आपने 5G मोबाइल प्लस कर दिए, लेकिन हो सकता है कि जब आपने 5G मोबाइल इसमें प्लस किए ना, तो जो ये MTK पे वर्क कर रहा है, तो हो सकता है कि कुछ दिन में UMT और MRT इस टूल का नया अपडेट निकाल दे, ठीक है, जिसमें आपके ये भी हो जाए और कॉस्ट बहुत ज़्यादा। भाई मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई इसे परचेज करे, लेकिन कॉस्ट या बहुत ज़्यादा फिर एक साल के लिए इसमें, मतलब ये कि टूल है, मैंने टूल भी देखा, खाली एक सिंपल सा सेटअप है, सेटअप में ही मतलब उसका वो सब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और ये एक ही सिस्टम में रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि मैंने मलिक साहब से पूछा था। मतलब यार कुछ समझ में बात नहीं आ रही, इतना महंगा टूल और ऐसे कैसे यार, कुछ मतलब इतने सारे मॉडल प्लस कर रखे हैं इसमें और ये भी ऐसे हैं। चलो देखते हैं कि अगर किसका इसी का कुछ टेस्टिंग करके देखते हैं, किसी ना किसी से कांटेक्ट में, जानकारी में जैसे भी निकालते हैं। भाई इतना महंगा टूल तो मैं तो परचेज करूंगा नहीं, इतना टूल महंगा परचेज मैं नहीं करूंगा, खामा कहाँ यार एक रजिस्ट्रेशन का। अगर इनका कोई टूल या कुछ होता तो ज़रूर इनका कुछ होना चाहिए था, लेकिन एक सिंपल सा छोटा सा सेटअप है और सेटअप के बाद इतना, बस ये रजिस्ट्रेशन के इतने रुपये हैं। भाई चाहे कुछ भी हो, आपके जो 15-16 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कॉस्ट हाई है भाई, कोई नहीं कराएगा। अगर किसी ने करा लिया होगा जो उसको ज़्यादा ही इमरजेंसी होगी या कुछ वैसा होगा तो वही करा सकता, बाकी मैं खुद नहीं कराऊंगा, दूसरे की मुझे पता नहीं है। बाकी बहुत कॉस्टली महंगा, मतलब आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा, अगर आपको एक कॉस्ट कम करोगे तो ये बहुत मार्केट में बिकेगा। आपकी कॉस्ट कम से कम इस टूल की कॉस्ट होनी चाहिए थी सर जी, ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 रुपये लास्ट, 6,000 या 7,000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी आपकी टूल की, चाहे आपने कितना भी इसमें दिमाग लगाया है या कैसे भी इसकी कीवर्ड ढूंढनी है या कुछ भी कैसे भी है। तो भाई मेरी नज़र से तो ये बहुत महंगा टूल है और जो भी है देखते हैं, कभी इसका कोई दोबारा अपडेट आएगा तो ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और जैसे भी मेंशन रहेगा तो आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और अभी एक ब्लैक जो बॉक्स है आपने देखा होगा शायद, इमेज भी मैं आपको दिखा दूंगा, ब्लैक बॉक्स, तो देख रहा हूँ कि सोच रहा हूँ कहीं से उस ऑनर से बात हुई थी, तो वो बात हुई है कि वो कब मेरे को डिलीवर करें या कुछ करें, देखते हैं कि क्या निकलता। तो आज की वीडियो में इतना ही और आपको सबको अपडेट मिल ही गया है और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो, शायद सुबह आपको एक नई वीडियो मिलेगी, एक्सटेंडेड वीडियो जिसमें आपको कुछ नया माइक्रोस्कोप और एक्सटेंसल बहुत सारी हैं और एक के बाद एक वीडियो मिलती रहेंगी आपको, जैसे भी है देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम।